हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड ये जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल मंथ है, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक आपको कभी किसी का प्रीलिम्स, कभी किसी का मेंस देखने को मिलेगा और टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा कि क्या कैसे करना है। अभी ये मंथ में ही आप अपने बैकलॉग निपटा सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हो, जो आपकी वीकनेस है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आज की मेरी वीडियो है। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रही थी जिससे मेरी पज़ल सॉल्व करने की, कैलकुलेशन करने की और डीआई सॉल्व करने की स्पीड को मैं इम्प्रूव कर सकूं, और मैंने सोचा कि पहले मैं खुद पे ट्राई करूं, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं, और मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूं कि आप लोग जो भी टू डू लिस्ट बना रहे हैं उसमें इन चीज़ों को, जो भी मैं आगे बताऊंगी वीडियो में, उसको ज़रूर शामिल करिएगा। मैं 100% गारंटी दे रही हूं कि इतना करने के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट होगी स्पीड में। चाहे आप डीआई ले लो, चाहे आप पज़ल ले लो, चाहे आप कोई कैलकुलेशन के ले लो, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का ले लो, 100% होगी। लेकिन जो मैं बताऊंगी वो चीज़ आपको करनी ज़रूर है, अप्लाई करनी है। सो वीडियो को पूरा सुनिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, अभी आपको टू डू लिस्ट ना कोशिश करिएगा आप लोग खुद से बनाइएगा। आई नो कि मैं आप लोगों से टू डू लिस्ट शेयर करती थी अभी तक, लेकिन मैंने ये सोचा है कि ये जो मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना होगा, और सबकी जो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ होती है सबकी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, इनइक्वालिटी एक चैप्टर है रीजनिंग का, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, मुझे उसमें इतनी मिस्टेक्स नहीं होती है। तो जब मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी तो मैं रीजनिंग को, इनइक्वालिटी को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्वेश्चन मुझसे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी नए होंगे या जिनको वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं समझ में आती होगी, तो ये जाहिर सी बात है कि उनको उस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो जब वो टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। उसी तरीके से जब मेरा जो सीटिंग अरेंजमेंट में इनसाइड आउटसाइड वाला पज़ल है वो थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगता है, मेरा थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीकनेस है वो, तो उस पर मुझे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है कि कुछ का वो स्ट्रेंथ हो, वो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करते हो। तो इसी तरीके से टू डू लिस्ट में डिफरेंस होगा। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी टू डू लिस्ट आप लोगों से शेयर करूँगी तो कोई मतलब नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, प्लीज़ आप लोग समझिए और अपने आप से टू डू लिस्ट फ्रेम करिए। अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और आपको किस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ आप खुद से बनाकर करिए। अगर आपको कोई भी और नीड है कि टू डू लिस्ट में ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तब मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे 24/7। आई विल रिप्लाई यू, आई विल हेल्प यू कि ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन टू डू लिस्ट प्लीज़ खुद से फ्रेम करिएगा। अब बात करते हैं कि आपको टू डू लिस्ट में ऐड क्या करना है। तो जो मैं बात कर रही थी ना कि जिससे मेरी इंप्रूवमेंट हुई है पज़ल एंड डीआई, तो वो ये चीज़ की है मैंने कि मैंने ना 50-50 सेट के पज़ल्स, 50-50 सेट के डीआई एक एक दिन में लगाई है। अब ये नहीं है कि 50 और पज़ल 50 डीआई एक ही दिन में लगा लिए, नहीं, एक दिन मैंने 50 सेट पज़ल लगा लिए, एक दिन मैंने 50 सेट डीआई लगाई और एक दिन मैंने सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चंस लगाए थे। ऐसा मैंने दो बार कर चुका है, तो इससे क्या हुआ है ना, इससे मेरी जो क्वेश्चन रीड करने की स्पीड है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड में इम्प्रूवमेंट आई है, और थोड़ा थोड़ा हमारी लॉजिकल थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर इम्प्रूव करनी है। आपको करना क्या है, 50 सेट ऑफ डीआई, 50 सेट ऑफ पज़ल्स, पूरे मिक्स पज़ल्स, 100 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, 100 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सीरीज, 100 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पांच चीज़ें आपको करनी है, और आपको करनी कैसे है, एक दिन एक चीज़ को उठाना है। जैसे आज आप लोगों ने नंबर सीरीज़ के 100 क्वेश्चंस कर लिए, तो नेक्स्ट डे आप लोग पज़ल के 50 क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके नेक्स्ट डे आप लोग डीआई के 50 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर सिंप्लीफिकेशन 100 क्वेश्चन। इस तरीके से कम 2-3 बार करने की कोशिश कीजिए, 100% आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आप लोग मुझे खुद आके बताइएगा कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अब आपको लेवल कैसे रखना है, आपको लेवल इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिर्फ इजी इजी करते जाएंगे ना तो वो उसी कंफर्ट जोन में रह जाएंगे। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आपको सारे इन्वॉल्व करने हैं, इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, सारे वाले, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी टू डू लिस्ट की। अब दूसरी बात यह है कि स्मार्ट केरा मॉक ड्रिल, जो मैं आप लोगों से अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि मैम शेयर करिए। तो उसके लिए मुझे बताना था कि देखिए, एज सुन एज मुझे, जैसे ही मुझे मिलता है पीडीएफ, मैं आप लोगों से तुरंत शेयर कर देती हूँ। आप लोगों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग भी पढ़ सकूँ। मुझे पता है कि सब लोग रेगुलरली पीडीएफ्स फॉलो करते हो और रेगुलरली पढ़ना चाहते हो। अभी मेरे पास डेली पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं हैं, वीकली और मंथली ही अवेलेबल हो पाती हैं, और जो भी पीडीएफ मुझसे अवेलेबल होती है मैं तुरंत के तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग परेशान मत होया करिए, कि ये मत सोचा करिए कि मैं भूल जाती हूँ पीडीएफ शेयर करना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब मुझे मिलती है तभी मैं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। सो ये बात हो गई स्मार्ट केरा मॉक ड्रिल की।
एंड लास्टली मैंने आरआरबी के फॉर्म कहाँ से फिल किए हैं वो चीज़ मुझे बतानी है। तो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क दोनों ही मैंने एमपी स्टेट से फिल किए हैं। बिल्कुल लास्ट डेट 27 को किया था मैंने, वैसे तो उसके बाद एक्सटेंड कर दी गई थी, बट 27 को किया था। मुझे ना एक्चुअली इसको फिल करने में 2 से 3 दिन लगे थे, पता नहीं क्यों वो लाइव फ़ोटो जो था ना वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था मुझे, और सर्वर के कारण मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे इसको फिल करने में। तो फाइनली वो 27 को जाके मेरा फिल हुआ था, दोनों ही एमपी से हुए हैं। तो आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग ने कहाँ से फिल किया है अपना फॉर्म, और क्या दोनों फॉर्म सेम स्टेट से किए हैं या आरआरबी क्लर्क किसी और स्टेट से किया है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको पर्सनली बोलना है तो आप टेलीग्राम में भी बोल सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और आगे भी कोई भी अपडेट्स होंगे तो मैं आपको इसी तरीके से वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, स्टे ट्यून, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इस बार फोड़ के रहेंगे।